Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अनिका। तो आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क और हम बहुत मस्ती करने वाले हैं वहाँ पर। अगर ये वीडियो बनाना अलग हुआ तो ये वीडियो मैं डाली दूँ, बहुत मस्ती करेंगे हम लोग। और ये रहा आदर्श और ये रहे दर्श। आज हम नॉटिंगहम से ऑल्टन टावर जा रहे हैं जिसकी डिस्टेंस 46 माइल है। हमें वहाँ पहुँचने में एक घंटे के करीब लगेगा। और ये रहे ऑल्टन वाटर पार्क के चार्जेस। यूके में इस समय चल रहा है समर और यहाँ पे बहुत हरियाली है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे विलेजेस पड़ेंगे जिनके आप घर देख सकते हैं। वैसे तो आप यूके में कहीं भी चले जाएं आपको इसी तरीके के घर देखने को मिलेंगे। मुझे यूके में सबसे अच्छा यही लगता है कि आप चाहे छोटे गांव में हों या फिर बड़ी से बड़ी सिटी में, आपको हर जगह हरियाली देखने को मिलती है। ये लोग पेड़ नहीं काटते हैं, ये चीज़ हमें भी सीखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो होती है वो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ होती है। तो जो लोग भी यूके में नए नए शिफ्ट हुए हैं या आने वाले हैं, यूके शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए हेल्प हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। ऑल्टन टावर शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये एरिया काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर पार्क तो है ही, साथ में थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर है और काफ़ी बड़ा है। अगर आप उसकी भी बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ वाटर पार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आज इस वीडियो में। ऑल्टन टावर के पूरे रास्ते आपको जगह जगह पर बोर्ड दिखेंगे इस तरह से, और जिससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर वाटर पार्क के लिए जो आ रहे हैं लोग उनके लिए पार्किंग दी गई है, तो हम यहाँ पे कार लगाएंगे अपनी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वाटर पार्क। आर यू एक्साइटेड? और ये रही पार्किंग यहाँ की जो काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी हमें जगह नहीं मिली है। कुछ देर बाद पार्किंग मिल जाने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर। और ये रहा इसका एंट्रेंस और इसके सामने जस्ट आप ये देख सकते हैं। फाइनली हम वाटर पार्क में पहुँच चुके हैं और एंटर कर चुके हैं, बहुत एक्साइटेड है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये इस वाटर पार्क का रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे फूड कोर्ट भी है, कॉफी शॉप भी है, तो आप अगर कुछ खाना पीना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर फन स्टेशन भी है, तो अगर आप इंडोर गेम खेलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पूछने के बाद पता चला है कि हमें नीचे जाना है सेकंड फ्लोर पे, और वहाँ पे टिकट चेक होंगे वाटर पार्क के लिए और उसके बाद ही हम एंट्री ले पाएंगे। ये वाटर पार्क इंडोर वाटर पार्क है और हमने यहाँ पे लॉकर में अपना सामान रख दिया है, उसके बाद आ गए हैं हम मस्ती करने के लिए। और ये देखिए दर्श एकदम रेडी है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर। देखिए काफ़ी बड़ा वाटर पार्क है और मैं जैसा कि मैंने कहा था कि ये इंडोर वाटर पार्क है तो पूरा शेड किया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी स्लाइड भी हैं। इसके अलावा मुझे सबसे जो मुझे पसंद यहाँ पे आया वो ये बकेट है। ये जब पूरी भर जाती है तो टेढ़ी हो जाती है और पानी नीचे आता है। आप देखिएगा ये सारे लेट चुके हैं यहाँ पर और बस पानी आने ही वाला है।
घंटे बज चुके हैं और अब वाटर पार्क बंद हो चुका है। हम लोग 1 बजे से यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, अब हम घर जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताना ना भूलिए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।